अच्छा जी, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है इसका पार्ट नंबर 1 है, और हम जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का थ्योरी वाला एरिया है वो इसमें देख रहे हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आर बुक्स वेयर ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, यानी कि कभी भी कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होती है तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करा जाता है। कोई भी सेल की ट्रांजेक्शन हो, परचेज की ट्रांजेक्शन हो, किसी नॉन करेंट एसेट के ख़रीदने की ट्रांजेक्शन हो, कैश के पेमेंट की ट्रांजेक्शन हो, किसी भी किस्म की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो होती है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहले जो है वो रिकॉर्ड करी जाती है, कि वो जगह जहाँ पर आप सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। देर आर 6 मेन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, 6 तरह की जो है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं। और वो 6 तरह की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती हैं? सेल्स डे बुक, जिसको हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक, जिसको हम लोग रिटर्न इनवर्ट जर्नल भी कहते हैं, इसके बाद परचेजेस डे बुक या परचेज जर्नल, परचेजेस रिटर्न्स डे बुक या रिटर्न आउटवर्ड जर्नल, और फिर कैश बुक या पेटी कैश बुक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो जनरल जर्नल। तो ये वो आपके पास बुक्स हैं प्राइम एंट्री की, जो जिनके नाम आपको पता होने चाहिए कि ये भाई 6 हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं, और ये 6 जो है इनके नाम मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो लिस्ट कर दिए हैं कि इनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है। अब एक एक कर हम देखते हैं कि भाई जो हमारे पास पहली बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है उसमें क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्स डे बुक की, जिसको हम लोग सेल्स जर्नल भी कहते हैं, ठीक है। सेल्स डे बुक कह लो, या हम इसको सेल्स जर्नल भी कह सकते हैं, सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल जो है वो एक ही बात है, सही है ना। अच्छा, सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल जो है ये क्यों यूज होता है, या इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? लिखा हुआ है, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स यूजिंग सेल्स इनवॉइसेस इशूड टू कस्टमर्स, ठीक है जी। सेल्स डे बुक को आप यूज करते हो किस चीज के लिए यूज करते हो? सेल्स डे बुक को आप यूज करते हो अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन कौन सी सेल्स? क्रेडिट वाली सेल्स। आपको पता है ना, दो तरह की सेल्स होती हैं, कैश सेल्स होती हैं और एक क्रेडिट सेल्स होती हैं। सेल्स डे बुक में जो कैश वाली सेल्स होंगी वो नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाली सेल्स आएंगी। कैश सेल्स की डबल एंट्री जो है वो पास होती है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, उसको हम सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम सेल्स डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट सेल्स का मतलब ये होता है कि किसी रिसीवेबल ने या किसी अकाउंट्स रिसीवेबल, किसी डेटर ने मुझसे क्रेडिट पर चीज़ें खरीदनी हो, क्रेडिट पर चीज़ें खरीदने का मतलब ये है कि वो पेमेंट मुझे बाद में करेगा। तो पहली चीज़ आपने दिमाग में ये याद रखनी है कि अगर कोई क्रेडिट सेल्स की ट्रांजेक्शन होगी तो सिर्फ और सिर्फ वो क्रेडिट सेल्स की ट्रांजेक्शन यहाँ पर आएगी यूजिंग सेल्स इनवॉइसेस। अब जाहिर है, कोई मुझे अगर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो उसकी कोई सेल्स इनवॉइस होनी चाहिए, या कहीं से मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो सेल्स इनवॉइस जो मैं अपने कस्टमर को देता हूँ, जिस पे लिखा हुआ होता है कि भाई सेल्स का अमाउंट कितना था, किसको क्या चीज़ें बेची, कस्टमर का क्या नाम था, वहाँ से मैं इंफॉर्मेशन लेकर और क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल हम आगे वाले सवालों में बनाएंगे भी, लेकिन ये है कि उसका जो जनरल फॉर्मेट है वो ये है कि सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, उसके बाद अगर कस्टमर का कोई नाम, कस्टमर का नाम लिखेंगे, ठीक है। इनवॉइस नंबर, यानी कि आपने जाहिर सी बात है जब किसी को कोई चीज़ बेचते हो तो इनवॉइस बनाते हो, उसका कोई पर्टिकुलर नंबर होता है वो लिखोगे, और अमाउंट लिखोगे, और जितनी भी आप सेल्स करते जाओगे क्रेडिट पर वो रिकॉर्ड करते जाओगे, और एंड में उसका टोटल होगा। अगली चीज़ हमारे पास है सेल्स रिटर्न डे बुक या रिटर्न इनवर्ट जर्नल। सेल्स रिटर्न डे बुक या रिटर्न इनवर्ट जर्नल में सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होती हैं। देखिए लिखा हुआ है, टू रिकॉर्ड आइटम्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स यूजिंग क्रेडिट नोट्स इशूड टू कस्टमर्स। अगेन यहाँ पर वो वाले सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे जो किसी कस्टमर ने, जिसने क्रेडिट पर मुझसे चीज़ें खरीदी थी, वो चीज़ें उसने मुझे वापस कर दी हों। यहाँ पर भी हम कैश वाली चीज़ों की रिटर्न्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट पर कोई चीज़ बेची थी, मिसाल के तौर पर जब आपने चीज़ बेची थी तो आपने एंट्री पास करी थी डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और आपने क्रेडिट पर चीज़ें बेची थी,
अब उस कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आई, समझ नहीं आई, डिफेक्ट है, फॉल्ट है, उसने वो आपको चीज़ वापस कर दी, तो आपने एंट्री पास कर दी, सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटा क्रेडिट, वो एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। अच्छा, अब जब ये एंट्री रिकॉर्ड करोगे ना, जब कभी भी कोई भी कस्टमर, कभी भी कोई भी कस्टमर आपको कोई चीज़ वापस करता है, तो आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हो। देखिए, अगर मैं यहाँ पर अपनी सेल्स की और सेल्स रिटर्न की डबल एंट्रीज लिख दूँ, जब आप कोई चीज़ बेचते हो, लेट से आपने मिस्टर ए को कोई चीज़ क्रेडिट पर बेची, तो मिस्टर ए को आपने डेबिट किया और आपने सेल्स को क्रेडिट किया। जब मिस्टर ए को यूँ लगेगा कि ये चीज़ें सही नहीं है और ये चीज़ें डिफेक्टिव है, और वो ये चीज़ें आपको वापस करेगा, तो आप एंट्री पास करोगे सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में ये हो रहा है कि मिस्टर ए आपको चीज़ें वापस कर दें, तो आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हो, और जब आप किसी के अकाउंट को क्रेडिट करते हो, तो आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है, क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप बनाकर अपने कस्टमर को देते हो, और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि भाई हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि आपने हमें डिफेक्टिव जो चीज़ें थी, जो आपको पसंद नहीं थी, वो आपने हमें वापस कर दी है, तो हमने आपको आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, और अब आपने जो चीज़ खरीदी थी उसके आप हमें पैसे नहीं दोगे। अगर कस्टमर, दो केसेस हो सकते हैं, अगर कस्टमर जो है वो कोई चीज़ हमसे क्रेडिट पर खरीदता है, जैसे 1 जनवरी को उसने चीज़ें खरीदी 500 की, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गया। 2-3 दिन बाद उसको ये चीज़ समझ में आ गई, पसंद आई, तो वो मुझे पैसे दे देगा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ उसको पसंद नहीं आई, वो चीज़ उसने वापस कर दी, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस केस में जब कोई क्रेडिट का कस्टमर मुझे चीज़ें वापस करेगा, तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा और उसको मैं सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है जी। अच्छा, सेल्स रिटर्न डे बुक का फॉर्मेट क्या होगा? एक जगह पे डेट आएगी, फिर कस्टमर का नाम, फिर क्रेडिट नोट का नंबर, जाहिर है कंपनी में कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है तो उसका एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो लिखा जाएगा, और साथ में उसकी अमाउंट लिखी जाएगी, और हर महीने या साल या 6 महीने के एंड में क्रेडिट नोट्स जितने भी इशू किए हैं उसके अगेंस्ट जो भी रिटर्न करी है उसका टोटल आ जाएगा। अच्छा जी, अगली जो बुक है वो है हमारी परचेजेस डे बुक या परचेज जर्नल। ये हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं। अब हम खरीदने की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड आइटम्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स यूजिंग परचेज इनवॉइसेस फ्रॉम सप्लायर्स। जब हम किसी से कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो हम उसकी डबल एंट्री पास कर देते हैं, परचेजेस डेबिट और सप्लायर का या क्रेडिटर का या अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट क्रेडिट, तब हम अपने पास जो है वो उसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगेन, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले डेट लिखते हो कि किस दिन हमने ये परचेजेस करी, सप्लायर का नाम लिखते हो, इनवॉइस नंबर लिखते हो और रुपीज़ लिखते हो। अब यहाँ पर ये जो इनवॉइस है, ये सप्लायर ने आपको दी होगी। जाहिर सी बात है, जब आप किसी से कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको एक इनवॉइस मिलती है ना, एक रसीद मिलती है, उसमें अमाउंट वगैरह और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, तो उसका रेफरेंस लिखोगे कि भाई हमने कौन सी चीज़ परचेज करी है। इसी तरह से आपके पास एक और चीज़ है, परचेज रिटर्न डे बुक या रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। देखिए, जब आप किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं क्रेडिट पर, तो आप एंट्री पास कर देते हैं परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अब कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि या तो आपको वो चीज़ पसंद आती है और आप उसको पेमेंट कर देते हो, तो आप एंट्री पास कर देते हो अकाउंट्स पेएबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक क्रेडिट इसलिए क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट इसलिए क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही होगी, मैं चीज़ें पे बैक मैं अमाउंट पे बैक कर रहूँगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है आपको चीज़ पसंद नहीं आती, तो आप वही चीज़ उसको वापस कर देते हो। इस केस में आप अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करते हो और आप परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हो। ठीक है, तो आप परचेज रिटर्न्स डे बुक या रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक जो है उसका ताल्लुक जो है वो उस केस से है कि जिस केस में तुम्हें चीज़ पसंद ना आए और तुमने वो चीज़ जो है वो अपने पेबल्स को वापस कर दी है। लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड आइटम्स रिटर्न्ड टू सप्लायर्स यूजिंग क्रेडिट नोट्स रिसीव्ड और डेबिट नोट्स इशू।
अच्छा, जब मैं सप्लायर को चीज़ें वापस करता हूँ, जब मैं सप्लायर को चीज़ें रिटर्न करता हूँ, जब मैं सप्लायर को चीज़ें वापस करता हूँ, जब मैं सप्लायर को चीज़ें रिटर्न करता हूँ, वापस लौटा देता हूँ, तो मैं या तो खुद डेबिट नोट जो है वो बनाता हूँ, डेबिट नोट इशू करता हूँ। देखिए, डेबिट नोट इसलिए इशू करता हूँ, डेबिट नोट का मतलब ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ होता है कि मैंने अकाउंट्स पेएबल को आखिर डेबिट क्यों किया, मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, कौन सी चीज़ मैंने वापस करी, कितनी वैल्यू वाली चीज़ वापस करी। और मेरा सप्लायर जो है, मैं अपने सप्लायर के लिए कस्टमर हूँ ना, तो उसने क्या किया होगा, उसने मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, तो वो क्रेडिट नोट बनाता है और यही सारी चीज़ें लिखता है डिटेल में कि भाई हमारा एक कस्टमर था और उसने हमें चीज़ें वापस कर दी, उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आई। क्योंकि देखिए, जब आप एंट्री पास कर रहे हैं अकाउंट्स पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो आपका सप्लायर दूसरे एंड पर एंट्री पास कर रहा होगा सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। देखिए, मैं इसको यूँ समझा देता हूँ कि हम यहाँ पर बोलते हैं, हम खुद माई रिकॉर्ड्स और यहाँ पर मेरा सप्लायर है, दो लोग। लेट से आपने सप्लायर से कुछ चीज़ें खरीदी, जब आपने सप्लायर से, लेट से आपका नाम ए है और सप्लायर का नाम बी है, जब आपने बी से कोई चीज़ें खरीदी तो आपने एंट्री पास कर दी, आपने कोई चीज़ें परचेज करी लेट से 500 की, तो आपने अपने पास एंट्री पास कर दी परचेजेस डेबिट 500 और मिस्टर बी क्रेडिट 500। क्यों? इसलिए क्योंकि मिस्टर बी को आपने 500 रुपये पे करने हैं और आपने परचेजेस करी हैं। आपका सप्लायर उसी वक्त एक एंट्री पास करता है मिस्टर ए डेबिट 500 और सेल्स क्रेडिट 500। ऐसा क्यों? अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो कोई आपको वो चीज़ बेच रहा होगा। आप चीज़ खरीदोगे तो आप परचेजेस डेबिट करोगे, ठीक है ना, और आप जो है वो बैंक अकाउंट मिस्टर बी को क्रेडिट करोगे। ऑन दी अदर हैंड, आपका जो सप्लायर है वो चीज़ें बेच रहा है, तो आपने क्या किया होगा, मिस्टर ए को डेबिट किया होगा और सेल्स को क्रेडिट किया होगा, सॉरी आपके सप्लायर ने। तो देखिए, दोनों चीज़ें एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है। जब आपने चीज़ें खरीदी, आपने परचेजेस डेबिट किया, आपके सप्लायर ने सेल्स को क्रेडिट किया। जब आपने चीज़ें बी से खरीदी तो आपने पेएबल टू बी को क्रेडिट किया और उसने सप्लायर ने जो है वो मिस्टर ए से रिसीवेबल 500 को डेबिट किया। अब आपने कोई चीज़ वापस कर दी, जब आपने कोई चीज़ वापस कर दी जो आपने खरीदी थी और आपको पसंद नहीं आई, तो आपने मिस्टर बी को डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। आपके सप्लायर ने उस वक्त जो एंट्री पास करी होगी वो होगी सेल्स रिटर्न डेबिट और मिस्टर ए क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये चीजें चल रही होती हैं। और परचेज रिटर्न का मतलब ये है कि कोई चीज आपने खरीदी थी और अब आपको वो चीज पसंद नहीं आई, लिहाजा आप वो चीज जो है वो वापस कर रहे हो। तो जब आप कोई चीज वापस करोगे, अपने सप्लायर को, आप उसके अकाउंट को करोगे डेबिट, तो आप डेबिट नोट इशू करते हो। डेबिट नोट इशू करने का मतलब यह है कि मैंने किसी के अकाउंट को डेबिट किया है और क्यों किया है उसकी इसमें रीजन होगी। मीनवाइल आपका सप्लायर जो है आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है और वो क्रेडिट नोट बनाता है और वो क्रेडिट नोट आपको देता है कि मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। तो ये क्रेडिट और डेबिट नोट्स होता है। अच्छा, फिर कैश बुक या पेटी कैश बुक क्या है? टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट यूजिंग चेक्स, काउंटर फॉइल्स, बैंक स्टेटमेंट्स एंड वाउचर्स। देखें, जो आपकी कैश बुक या पेटी कैश बुक होती है उसमें सारी की सारी कैश की ट्रांजेक्शन आ जाती हैं। अगर आपने किसी से कैश रिसीव किया है वो यहाँ आएगा, किसी को कैश पे किया है वो यहाँ आएगा, बैंक से पैसे रिसीव किया है यहाँ आएगा, बैंक में पैसे पे किए हैं यहाँ आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश की सेल्स करी है तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होगा वो यहाँ आएगा। अगर मैंने कैश पे कोई परचेजेस करी है तो परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट होगा वो यहाँ आएगा। अगर मैंने कोई नॉन करेंट एसेट परचेज करा है तो नॉन करेंट एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट होगा वो भी यहाँ आएगा। और इसी तरह से कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो बैंक से हुई है या जो कैश से हुई है वो यहाँ पर आएगी।
अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, या तो चेक बुक्स देख के रिकॉर्ड करते हैं, चेक बुक आपके पास होगी, आपने चेक किसी को दिया होगा, उस चेक पर उसकी डिटेल्स होती हैं सारी। काउंटर फॉइल्स, आपने देखा होगा कि चेक बुक पे साइड पर छोटा सा एक टुकड़ा होता है, उस पर आप कभी कभी मेंशन कर लेते हो कि भाई मैंने एक्स वाई जेड बंदे को चेक दिया, इतनी अमाउंट थी, ये चीज़ें थी, तो उसको देखकर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बैंक स्टेटमेंट, कभी कभार आपके बैंक से जो है वो डायरेक्टली पेमेंट्स हो रही होती हैं, ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के टॉपिक पे आप पढ़ोगे तो बैंक स्टेटमेंट से आपको पता चल जाता है कि आपने एक्स वाई जेड लोगों को पेमेंट करी है, वो वहां से रिकॉर्ड हो जाएगी। वाउचर्स, वाउचर्स का एक सिस्टम होता है जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। वाउचर में लिखा हुआ होता है कि भाई मैंने कोई चीज़ बेची है और उसके अगेंस्ट कितने पैसे मिले हैं, तो उससे आप देख देख के रिकॉर्ड करोगे। अब चार तरह की जो कैश बुक्स हैं वो क्या हैं, एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक है, यानी कि जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होगा, जो आपका कैश इन हैंड है ना उसका हिसाब किताब होगा। एक है आपके पास टू कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक दो कॉलम्स होंगे, यानी कि डेबिट साइड पर कैश और बैंक आ रहा होगा और इसी तरह से क्रेडिट साइड पर भी कैश और बैंक आ रहा होगा। इन दोनों को अगर मैं लेट से टू कॉलम कैश बुक बना दूँ, तो टू कॉलम कैश बुक कुछ इस तरह से नजर आएगी कि आपके पास जो है ना वो डेबिट साइड पर कैश और बैंक दो कॉलम्स होंगे और इसी तरह से क्रेडिट साइड पर भी कैश और बैंक दो कॉलम्स होंगे। अगर आप किसी से पैसे रिसीव करोगे, लेट से आपने कैश पे सेल्स करी और किसी ने आपको 500 रुपये दिए, तो आपकी एंट्री पास होती है कैश डेबिट 500 और सेल्स क्रेडिट 500। तो ये जो कैश बुक है इसमें यहाँ पर डेबिट साइड पर आप लिखोगे सेल्स और आप साथ में लिख दोगे 500, क्योंकि आपने 500 रुपये रिसीव किए हैं। अगर लेट से विल फर्स्ट लेट से मैं जो है वो कोई नॉन करेंट एसेट बेचता हूँ 300 रुपये में और उसके अगेंस्ट मुझे 300 रुपये मिलते हैं, तो मैं नॉन करेंट एसेट जो है वो जब बेचूंगा 300 में, तो मेरे पास से नॉन करेंट एसेट जाएगा, एंट्री पास होगी बैंक डेबिट 300, नॉन करेंट एसेट क्रेडिट 300। तो यहाँ पर कैश बुक पे जो बैंक अकाउंट आ रहा है, यहाँ पर नॉन करेंट एसेट का जो भी डिस्पोजल है उसके अगेंस्ट वो 300 रुपये आए, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो टू कॉलम कैश बुक है वो नजर आती है। टू कॉलम कैश बुक के आगे सवालात भी हैं, लेकिन उसमें दो कॉलम्स होते हैं, डेबिट साइड पर भी दो और क्रेडिट साइड पर भी दो। एक आपका कैश का कॉलम होता है और एक आपका बैंक का कॉलम होता है। इसी तरह से क्रेडिट साइड पर भी दो कॉलम्स होते हैं, एक आपका कैश का कॉलम होता है और एक आपका बैंक का कॉलम होता है। और इस तरह से आपकी टू कॉलम कैश बुक तैयार हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद आपके पास थ्री कॉलम कैश बुक है, जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है। अब डिस्काउंट की डिटेल ज़रा ज़्यादा है तो वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी जो थ्री कॉलम कैश बुक होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर तीन तीन कॉलम्स होते हैं, एक डिस्काउंट कैश बैंक, डिस्काउंट कैश बैंक। अच्छा, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है डिस्काउंट रिसीव्ड और एक कहलाता है डिस्काउंट अलाउड। जो डिस्काउंट अलाउड है वो आपका एक्सपेंस होता है और डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड आता है। जो डिस्काउंट रिसीव्ड, जो आप डिस्काउंट रिसीव करते हो, जो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो आपकी इनकम है और उसका नेचर जो है इनकम का क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इधर आता है। ठीक है, अब ये किस तरह से जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड किया जाता है वो एक सेपरेट बात है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव की कुछ और डिटेल्स भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे और फिर सवालात में मजीद इसको देख रहे होंगे। फिर आपकी एक पेटी कैश बुक होती है और इसके साथ लिखा हुआ है यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस। कभी कभार बहुत छोटे छोटे एक्सपेंस के आइटम्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग पेटी कैश बुक यूज़ करते हैं। पेटी कैश बुक में फॉर एग्जाम्पल चाय पानी का खर्चा आ गया, छोटा मोटा ट्रेवलिंग का खर्चा आ गया, कोई छोटी पोस्ट वोस्ट भेज दी उसका खर्चा आ गया, कोई डिलीवरी बॉय आया उसको 500 रुपये दे दिए, वो रिकॉर्ड करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे खर्चे जो है वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर फाइनली आपके पास एक और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है जिसका नाम है जनरल जर्नल। अच्छा जी, जनरल जर्नल में क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यूजिंग डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइस, बिल और एनी अदर ऑथोराइज डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सेल्स डे बुक में, सेल्स रिटर्न डे बुक में, परचेजेस डे बुक में, परचेज रिटर्न डे बुक में और कैश बुक में नहीं आ सकती तो वो यहाँ जनरल जर्नल में आएगी। अगर कोई क्रेडिट सेल्स की ट्रांजेक्शन है सेल्स डे बुक में आएगी। अगर कोई क्रेडिट सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन है, कोई चीज़ आपने वापस करी है, सेल्स रिटर्न डे बुक में आएगी। अगर कोई क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शन है, परचेजेस डे बुक में आएगी। अगर कोई चीज़ आपने रिटर्न करी है अपने सप्लायर से खरीद कर, जो कि आपने क्रेडिट पर खरीदी थी आपको पसंद नहीं आई, तो वो परचेजेस रिटर्न डे बुक में आएगी। अगर कैश सेल्स है, कैश परचेजेस है, आपने कोई चीज़ जो है वो रिसीव करी है कैश में, कोई कैश पे किया, तो वो कैश बुक में आएगा। लेकिन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो इन पांचों कैटेगरीज में नहीं है तो वो यहाँ पर आ रही होगी।
सर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है जो ना सेल हो, ना परचेज हो, ना परचेज रिटर्न हो, ना सेल्स रिटर्न हो, ना कैश का आना हो, ना कैश का जाना हो? मिसाल के तौर पर आप डेप्रिसिएशन के चैप्टर में डेप्रिसिएशन की डबल एंट्रीज पढ़ोगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एक डबल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इसमें ना कैश आ रहा है, ना कैश आ रहा है, ना कोई चीज़ बेच रहे हो, ना कोई चीज़ खरीद रहे हो, ना कोई बेची हुई चीज़ आपको वापस आ रही है डिफेक्टिव, ना कोई खरीदी हुई चीज़ आप वापस कर रहे हो किसी को डिफेक्टिव। तो इस तरह की एंट्रीज यहाँ पर आती हैं। फिर ईयर एंड एंट्रीज होती हैं कुछ, वो यहाँ पर आती हैं। तो जनरल जनरल में हर वो एंट्री आएगी जो पिछली 5 कैटेगरीज में नहीं आ रही होंगी। और उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होगा, एक जिस तरह से हम डबल एंट्रीज पास करते हैं उसी तरह का होगा। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो लिखेंगे, और एक ब्रीफ सी नरेशन लिख देंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि भाई आखिर ऊपर वाली ट्रांजेक्शन है क्या। अच्छा, फिर हम कुछ बात कर लेते हैं अकाउंटिंग फॉर सेल्स के हवाले से, यानी कि जब हम किसी को कोई चीज़ बेचते हैं या कोई चीज़ बिक रही होती है तो उससे रिलेवेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर है सेल्स कोटेशन या प्रपोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सबसे पहले सेल्स से रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपने समझना है सेल्स कोटेशन। सेल्स कोटेशन का मतलब ये है कि जब आप जो है वो कोई चीज़ बेच रहे होते हो तो आप जो है वो खरीदने वाले को एक कोटेशन देते हो, या आप जो है यूं कह लो कि आप रेस्टोरेंट गए तो रेस्टोरेंट वाले ने आपके सामने एक मेन्यू रख दिया। वो उसने मेन्यू रखा कि भाई हमारे रेस्टोरेंट पे बर्गर अवेलेबल है, सैंडविच अवेलेबल है, चाइनीज खाना अवेलेबल है, कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है। ये सेल्स कोटेशन है। सेल्स कोटेशन का मतलब ये है कि उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि भाई हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है और इस प्राइस पर अवेलेबल है, आपको ऑर्डर करनी है तो आप करो। यहाँ पर अभी चीज़ ऑर्डर नहीं हुई है, सिर्फ सेल्स कोटेशन का मतलब ये है कि उसने बताया कि हाँ भाई ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये मतलब कह लो कि मेन्यू कार्ड सेल्स कोटेशन है। इसी तरह से जब कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज में जब सेल्स होती है तो सेल्स की कोटेशन जो है वो ली जाती हैं। सेल्स ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर प्लेसिंग एन ऑर्डर, अब जो खरीदार है वो ऑर्डर प्लेस करता है, ये अगला स्टेप होता है। जिस तरह से आप रेस्टोरेंट जाते हो पहला स्टेप क्या होता है, रेस्टोरेंट में एक वेटर आता है वो आपको मेन्यू देता है, वो सेल्स कोटेशन है। फिर आप मेन्यू में से देखते हो अच्छा यार चलो मैं ये चीज़ खा लेता हूँ, तो आप उसका ऑर्डर देते हो, ऑर्डर देते हो सेल्स ऑर्डर। आप वेटर को बोलते हो एक मिनट, आप वेटर को बोलते हो कि मुझे स्पेसिफिक चीज ला दो, यानी कि आप जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हो। ठीक है, गुड्स डिस्पैच टू अ नोटिस टू कस्टमर टू इन्फॉर्म देम दैट द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड। अच्छा, अब कंपनीज में क्या होता है कि आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कहीं और होती है, लेट से आप कराची में हो और आपने गुड्स का ऑर्डर किया है लाहौर से, तो जब लाहौर से कराची चीज़ें आएंगी तो जाहिर सी बात है उसमें एक प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब गुड्स डिस्पैच होते हैं, लाहौर से निकलते हैं और कराची की तरफ आ रहे होते हैं, तो एक गुड्स डिस्पैच नोट दिया जाता है और उसमें एक कस्टमर को नोटिस दिया जाता है कि भाई हमने अपनी तरफ से चीज़ें डिस्पैच कर दी हैं, वो आपकी तरफ रवाना हो गई। डिलीवरी नोट, अ नोट दैट अकम्पनीज दी गुड्स। फिर जब आपके पास चीज़ें पहुंचती हैं तो उसके साथ भी एक लेटर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि भाई हमने ये चीज़ें आपको भेजी हैं, ये चीज़ें भेजी हैं, ये चीज़ें भेजी हैं। ठीक है ना, तो देखें वापस से ज़रा चलते हैं। सेल्स कोटेशन, सबसे पहले आपको एक जो है वो बेचने वाले ने एक मेन्यू दिया कि भाई हम जो है वो क्या कहते हैं, ये बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। सेल्स ऑर्डर, आपने उसमें से फिर चीज़ सेलेक्ट कर कर ऑर्डर किया कि भाई चलो मुझे ये चीज़ चाहिए। गुड्स डिस्पैच नोट, जब वहाँ से चीज़ रवाना हुई तो आपको एक खत भेज दिया गया, एक नोटिस भेज दिया गया, एक ईमेल भेज दिया गया कि हमने चीज़ें रवाना करनी है, कस्टमर को बोला। फिर डिलीवरी नोट, जब कस्टमर के पास चीज़ें आई तो साथ में एक डिलीवरी नोट आया, एक डॉक्यूमेंट आया कि देखो अंदर जो बॉक्स है, जो कार्टन है, जो कंटेनर है, उसमें ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और इतनी इतनी क्वांटिटी में पड़ी हुई हैं। सेल्स इनवॉइस, अब चीज़ें मिल गई ना कस्टमर को, अब जाहिर है पैसे लेने का टाइम है, तो आप अब कस्टमर को भेजोगे सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस क्या होगी, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, यानी कि आपने बोला भाई वो चीज़ें भेज दी है ना, अब आप उसके पैसे दो हमें, पेमेंट करो। स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट टू शो द कस्टमर द अमाउंट स्टूड ओड एट अ पॉइंट इन टाइम।
अब जाहिर है जब आप किसी के साथ बिजनेस करते हो तो बहुत सारी बार चीजें खरीदते हो बेचते हो, कुछ चीजें डिफेक्टिव होती हैं वो वापस आती हैं, वो पैसे पे करता है, कभी बैंक ने पे करता है, कभी कैश पे करता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आप कस्टमर आपको आपका कस्टमर बोले कि यार मुझे स्टेटमेंट दो, यानी कि मैंने तुमसे कब कौन सी चीज खरीदी, उसमें से कितने रुपए की पेमेंट कर दी, कितने रुपए पे अभी भी करने हैं या बकाया हैं, कितने कैश में पेमेंट करी थी। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कस्टमर के बारे में सारी ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। इसी तरह से जिस तरह से बैंक स्टेटमेंट होता है, अगर आप कोई बैंक स्टेटमेंट देखते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है ना कि आपके बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, इतने डेबिट्स हैं, इतने क्रेडिट्स हैं, इतने पैसे आपने निकाले थे, इतने पैसे आपने दिए थे। तो इसी तरह का एक कस्टमर को हम स्टेटमेंट भेजते हैं। क्रेडिट नोट इशूड व्हेन अ कस्टमर रिटर्न्स गुड्स एंड द बिजनेस एग्रीज टू दिस। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई गुड्स डिफेक्टिव होते हैं तो कस्टमर वो गुड्स आपको वापस भेज देता है। जब वो गुड्स आपको वापस भेज देता है तो आप क्या करते हो कि आप जो है वो क्रेडिट नोट इशू करते हो। क्रेडिट नोट इशू का करने का मतलब ये है कि आप रिकॉर्ड करते हो कि भाई कस्टमर ने जो है ये चीज़ें वापस कर दी हैं, और उसके अगेंस्ट एक आप जो है वो डॉक्यूमेंट इशू करते हो, उसमें लिख देते हो कि भाई मैंने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और इसलिए क्या, क्योंकि उसने उस एक्स वाई जेड चीज़ें हमें वापस कर दी हैं। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर परचेजेस, परचेज रिक्वेजिशन इशूड बाई एन एम्प्लॉय टू परचेज डिपार्टमेंट फॉर रिक्वेस्ट टू परचेज एन आइटम इंटरनल डॉक्यूमेंट। अब हम परचेजेस की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी में जो है वो गाड़ियाँ बनती हैं, कार्स, गाड़ियाँ तैयार होती हैं। गाड़ियाँ तैयार करने के लिए गाड़ियों में इंजन लगाना है, गाड़ियों में टायर लगाने हैं, गाड़ियों में स्टील कंज्यूम होगा, शीशे मिरर लगेंगे, ब्रेक लगेगा, हैंडल लगेगा, दरवाजे की बॉडी में जो है वो लकड़ी या लोहे या प्लास्टिक का काम हो रहा होगा। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि कंपनी में कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाए, मिसाल के तौर पर टायर ख़त्म हो गया, अब नई गाड़ी नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि टायर्स ही नहीं है, तो नए टायर्स चाहिए होंगे, बिल्कुल चाहिए होंगे, तो कंपनी का जो बंदा टायर्स इस्तेमाल करता है वो कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो सप्लायर से चीज़ें खरीद कर कंपनी को देता है, और परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि देखो भाई टायर्स खत्म हो गए, और लिख कर देगा परचेज रिक्वेजिशन, टायर्स खत्म हो गए हैं, हमें गाड़ियां बनाने के लिए जो है ना इतने 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 टायर्स की नीड है, और वो डॉक्यूमेंट लिख कर और परचेज डिपार्टमेंट को दे देगा ताकि परचेज डिपार्टमेंट उसके लिए टायर्स की परचेजिंग कर ले ताकि प्रोडक्शन आगे बढ़ सके। ये जो इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, अच्छा इंटरनल डॉक्यूमेंट क्यों है, क्योंकि मैं बाहर सप्लायर को नहीं दे रहा, किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे रहा, बल्कि कंपनी में जो बंदा गाड़ियां बनाता था या टायर्स इस्तेमाल करता था वो बंदा ये डॉक्यूमेंट परचेज डिपार्टमेंट को दे रहा है। ये कंपनी का वो डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेदारी बाहर से चीज़ें खरीद कर लेकर आना है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि परचेज डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि कंपनी में क्या खत्म हो गया और क्या मंगवाना है, इसको हम परचेज रिक्विजिशन कहते हैं। कोटेशन ऑब्टेन, कोटेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर्स। अच्छा जी, कंपनी में जब किसी बाहर वाले बंदे से कोई चीज़ परचेज करनी होती है, कोई चीज़ खरीदनी होती है सप्लायर से, लेट से मुझे जो है वो टायर्स परचेज करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक सप्लायर सेलेक्ट किया और एक सप्लायर सेलेक्ट कर कर ना और मैंने सोचा कि भाई चलो इससे चीज़ें खरीद लेते हैं, बल्कि कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो 3 4 5 लोगों से कोटेशंस ऑब्टेन करे, 2 4 5 लोगों से पूछे कि भाई आप कितने के टायर दोगे, कितने के टायर दोगे, कितने के टायर दोगे, और फिर बेस्ट बंदा या सबसे सस्ता वो जो चीज़ देने वाला बंदा है उसको सेलेक्ट किया जाए। परचेज ऑर्डर और डॉक्यूमेंट सेंड बाय द बिजनेस टू प्लेस एन ऑर्डर, फिर जो सबसे अच्छा सप्लायर होता है उसको डॉक्यूमेंट भेजा जाता है कि भाई ये चीज़ें हमें दो। गुड्स रिसीव नोट प्रिपेयर्ड बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज एन एविडेंस दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड। जब चीज़ें रिसीव हो जाती हैं बिजनेस प्रेमिसेस पर आ जाती है तो स्टोर होता है, एक स्टोर रूम होता है, और उस स्टोर रूम का एक इंचार्ज होता है, वो गुड्स रिसीव नोट बनाता है, वो लिखता है कि मुझे ये चीज़ें मिल गई हैं, मेरे हासिल में मेरे हाथ में आ गई हैं, मैंने रख दी हैं और मुझे ये चीज़ें मिल गई हैं, और क्या क्या मिली हैं वो उस पर लिखते थे। परचेज इनवॉइस, फिर आपका सप्लायर आपको परचेज इनवॉइस भेजता है कि भाई चलो अब पैसे दो। स्टेटमेंट, जिस तरह से हमने कस्टमर को स्टेटमेंट दी थी इसी तरह से सप्लायर जो है उसकी भी एक स्टेटमेंट होती है कि हमने किसी सप्लायर से कब कौन सी कितने रुपए में चीज़ खरीदी, पैसे कितने दिए, कितने पैसे बाकी हैं। हमारा सप्लायर पूछ सकता है कि भाई स्टेटमेंट दिखाओ, यानी कि हमें बता दो कि भाई कितने पैसे हमें आपसे अभी भी रिसीव करने हैं। क्रेडिट नोट रिसीव्ड इशूड बाई सप्लायर वेन वी रिटर्न गुड्स और गेट क्रेडिट बिकॉज ऑफ डैमेज गुड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सप्लायर को कोई डैमेज चीज़ वापस कर देते हैं, जब हम वो चीज़ वापस करते हैं तो वो हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है कि मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। आप क्या इशू करोगे, डेबिट नोट,
आप डेबिट नोट बनाओगे क्योंकि आपके लिए आपका सप्लायर एक लायबिलिटी थी जिसका जो है वो क्रेडिट बैलेंस था, तो आप कब जब कोई चीज वापस करोगे तो आप उसके अकाउंट को डेबिट करोगे जिसमें लिखा हुआ होगा कि भाई मैं हमने चीजें वापस कर दी। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट गिवन बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर। देखिए, कुछ ऐसे डिस्काउंट्स होते हैं जो बिजनेस अपने कस्टमर्स को देता है जिसको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। मैंने किसी रिसीवेबल को किसी से पैसे लेने थे, उसको डिस्काउंट दिया। इसमें दो तरह की चीज़ें आती है, एक कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, मैंने बार्गेनिंग करी और मैंने बोला यार मुझे ये 80 में दे दो, तो 20 रुपये का जो डिस्काउंट मिला इसको मैं ट्रेड डिस्काउंट कहूंगा। अब मैं अपनी डबल एंट्री जो पास करूंगा वो मैं पास करूंगा, अगर मैं लेट से किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं 80 पर ही पास करूंगा, 100 पर पास नहीं करूंगा। मैं करूंगा अपने पास एंट्री डेटेड डेबिट 80 और सेल्स क्रेडिट 80। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये वाला डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा, कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो मैं अपने कस्टमर्स को देता हूँ अगर वो मुझे जल्दी पेमेंट करेंगे। अगर वो जल्दी पैसा दे देंगे तो मैं ये उनको डिस्काउंट दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। अब इसमें रेवेन्यू किस तरह से रिकॉर्ड होता है? अगर मुझे लगता है कि मेरा कस्टमर, लेट से मैंने कस्टमर को जो है ना वो कोई चीज़ 80 में बेची और उसको बोला कि अगर तुम 30 दिन के अंदर पैसे पे करोगे तो मैं तुमसे 70 रुपये लूंगा, 30 दिन से ज़्यादा में पैसे पे करोगे तो मैं तुमसे जो है ना 80 पूरे लूंगा। अब मैं पहली बार एंट्री कैसे पास करूंगा? एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पर। अगर मुझे लगता है कि मेरा कस्टमर जो है वो डिस्काउंट क्लेम करेगा यानी कि 30 दिन के अंदर पैसे देगा तो मैं एंट्री पास कर दूंगा डेटेड डेबिट 70 और सेल्स क्रेडिट 70। अगर मुझे यूँ लगता है कि मेरा जो कस्टमर है वो 30 दिन के बाद पैसे वापस करेगा तो मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा डेटेड डेबिट 80 और सेल्स क्रेडिट 80। अच्छा, अब वापस से दो बातें होंगी, या तो 30 दिन के अंदर उसने पेमेंट कर दी इस केस में तो क्या होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा 70 से और डेटर क्रेडिट हो जाएगा 70 से। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर ना कर सका और 30 दिन के बाद उसने पैसे वापस पे करे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा वो हम देखना। इसमें भी ऐसा ही हो सकता है कि मैंने सोचा कि वो जो है वो 30 दिन के बाद पैसे पे करेगा और वाकई में 30 दिन के बाद ही पैसे पे करे तो जब पैसे आएंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा और डेटर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन से पहले पैसे पे कर दिए तो क्या होगा वो हमें जो है वो देखना होगा। हम क्या करते हैं कि अगर लेट से पहले वाले केस में 30 दिन के अंदर पैसे पे करने थे और कर भी दिए तो ये एंट्री पास हो जाएगी, लेकिन 30 दिन के अंदर पैसे पे करने थे और वो ना कर पाया यानी कि अब उसने 80 रुपीज़ हमें देने हैं, तो हम जो है वो अपने रेवेन्यू को अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करेंगे, इंक्रीज करेंगे और फिर डबल एंट्री पास करेंगे। बहरहाल ये बेसिक से केसेस आप देख लीजिएगा, फिर डिस्काउंट के कुछ एडवांस केसेस जो हैं वो हम वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह देखेंगे। इसी तरह से हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि हमने किसी से डिस्काउंट दिया, हमारा सप्लायर हमें जल्दी पैसे दे दे, हमारा सप्लायर जो है हमें किसी वजह से डिस्काउंट दे रहा है तो वो उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। डिस्काउंट रिसीव में भी एक ट्रेड डिस्काउंट है, रिडक्शन इन दिस प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ जो है ना वो 120 रुपये की थी और मेरे सप्लायर को मैंने बोला यार कम करो कम करो कम करो और मैंने किसी तरह से उससे वो चीज़ 110 में ले ली, तो अब मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट मिला, लेकिन बार्गेनिंग पर, जल्दी पैसे पे करने पे नहीं, बार्गेन करने पर मैंने उसको जो है वो इस बात पर राजी किया कि वो 120 वाली चीज़ 110 पर दे दे। ये डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। मैं जब एंट्री पास करूंगा तो मैं परचेजेस डेबिट 110 और सप्लायर क्रेडिट 110 ऐसे ही एंट्री पास करूंगा। कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर टू परसुएड अर्लियर पेमेंट, इनिशियली ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट फुल प्राइस, इफ लेटर डिस्काउंट इज क्लेम्ड इट कैन बी शोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम इन दी बुक्स। अब देखें, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सप्लायर बोले चलो अब तुमने 110 में चीज़ें खरीदनी हैं, अब अगर तुम 30 दिन के अंदर पैसे पे कर दोगे तो मैं 110 के बजाय 100 लूंगा, अदरवाइज तुमसे जो है ना वो मैं, अगर तुम 30 दिन से ज़्यादा में पैसे दोगे मुझे तो मैं तुमसे जो है वो 110 के 110 लूंगा। अगर मैं पैसे 30 दिन के बाद देता हूँ तो मेरी एंट्री पास हो जाएगी, सप्लायर का अकाउंट डेबिट 110 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 110। लेकिन अगर 30 दिन से पहले पहले मुझे पैसे मैं पे कर देता हूँ तो मैं एंट्री पास कर दूंगा, सप्लायर का अकाउंट डेबिट 100, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट 100 और सॉरी सप्लायर का अकाउंट जो है, सप्लायर का जो अकाउंट है वो डेबिट 110, सप्लायर का अकाउंट जो है वो डेबिट 110
डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 10 रुपये, जो मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट मिला है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट 100 रुपये। ठीक है जी, तो इस तरह से ये एंट्रीज पास होंगी। मजीद भी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है डिसऑनर्ड चेक के हवाले से, चले कर ही लेते हैं। डिसऑनर्ड चेक बड़ा, बल्कि चले हम इसको डिसऑनर्ड चेक को अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करता हूँ और 5-10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, जिसपे आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर सवाल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।